हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लेके आए हैं सेम अपने 20 क्वेश्चन का सीरीज़, जो 5000 क्वेश्चन वाली सीरीज चल रही है। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से हम लोग कि यूनाइटेड नेशन डिक्लेयर 2010 एज विच इंटरनेशनल ईयर। देखिए, इस तरह का क्वेश्चन अभी जो हम लोग का 7th लेक्चर था उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको बताए थे कि उस ईयर को 2011 को कैसा ईयर घोषित किया गया था। तो 2011 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ केमिस्ट्री बोला गया था, ठीक है। ऐसे ही बोला कि उसको यूनेस्को ने दिया था, ये इसको यूनाइटेड नेशन दे रहा है। तो यूनाइटेड नेशन 2010 को कैसा इंटरनेशनल ईयर घोषित किया गया था, तो उसको किया था, इसको किया गया था अप्रोच माउंट ऑफ कल्चर RAPPROCHEMONT ऑफ कल्चर, ठीक है, अप्रोचमेंट ऑफ कल्चर। ओके, 2010 को अप्रोचमेंट ऑफ कल्चर नाम दिया गया था। नेक्स्ट आते हैं, विच टिश्यू टेक पार्ट इन हीलिंग द वाउंड, ठीक है। कौन सा टिश्यू जो वहाँ जब चोट लग जाती है तो उसको भरने के काम आता है, उसको सही करने में काम आता है, मतलब हीलिंग के लिए मददगार होता है। तो वो होता है एपिथेलियम टिश्यू मददगार होता है। अब इसके बारे में कुछ बता देते हैं, जैसे एपिथेलियम टिश्यू किस किस शेप में होते हैं। तो ये स्क्वायर शेप में होते हैं, कॉलमर शेप में होते हैं, क्यूबॉइडल शेप में होते हैं। ओके, ये तो इनका शेप हो गया। और इसके बारे में एक डेफिनेशन है, उसको आप देख लीजिए। इट इज़ एपिथेलियम टिश्यू लाइन दे लाइन द आउटर सर्फेस ऑफ ऑर्गन्स। जो ये जो ऑर्गन्स होते हैं, ऑर्गन और ब्लड वेसल्स का आउटर सर्फेस को बनाते हैं, आउटर वेसल थ्रू आउट द बॉडी एज वेल एज द इनर सर्फेस ऑफ कैविटी इन मैनी इंटरनल ऑर्गन, ठीक है। जो एपिथेलियम टिश्यू हैं वो हमारे समझ देख लीजिए, जो हमारे बॉडी है उसका जो आउटर सर्फेस है उसको पूरा बनाते हैं, एज वेल एज कुछ कुछ इंटरनल ऑर्गन्स में भी को भी ये मेंटेन करते हैं, उनकी कैविटी को मेंटेन रखते हैं ये एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाइएस्ट एंड फाइनल ज्यूडिशियल ट्रिब्यूनल इन रिस्पेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो हाइएस्ट फाइनल ज्यूडिशियल कौन है वो हम सुप्रीम कोर्ट सबको पता है, ठीक है। तो आंसर इसका है सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द स्टेट दैट मेन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द फोल्ड माउंटेन। व्हाट इज द स्टेट थ्रू इज द मेन एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द फोल्ड माउंटेन। फोल्ड माउंटेन्स में मेनली एक्टिविटीज कौन सी होती हैं, फोल करना तो हो नहीं सकता है, तो उसमें मेनली क्या होती है, उसमें होती है अर्थक्वेक, मेनली एक्टिविटी होती है अर्थक्वेक हो सकती है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द अफगान रूलर ऑफ इंडिया, हु वाज द अफगान रूलर ऑफ इंडिया हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम वाज इमुलेटेड बाई ब्रिटिश, हुज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ब्रिटिशर्स ने एमुलेट किया, ठीक है। तो आंसर है, इसका आंसर है शेरशाह सूरी का सिस्टम, जो ये अफगान रूलर शेरशाह सूरी, देखिए इसमें दो आंसर आपको पता चल रहे हैं कि शेरशाह सूरी कौन सा रूलर था, अफगान रूलर था। दूसरा, ब्रिटिशर्स ने किसको इमोल्यूट किया, किसके पैटर्न को फॉलो किया इंडिया में, शेरशाह सूरी के पैटर्न को फॉलो किया, ठीक है। और एक बात और बता रहे हैं, शेरशाह सूरी जो ग्रैंड ट्रंक रोड है उसको दिल्ली से दौलताबाद, तो किसने बनाई थी, वो बनाई थी शेरशाह सूरी ने, जो अपने NH2 है। और शेरशाह सूरी किसके समय थे, किस मुग़ल शासक के समय थे, हुमायूं के समय, हुमायूं को एक बार उन्हें हराया भी था, ठीक। उसके बाद एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी शेरशाह सूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ विच थिंग। तो आंसर है इसका, जो टेम्परेरी हार्डनेस है, तो टेम्प्रेरी हार्डनेस को हम लोग कार्बोनेट हार्डनेस भी बोलते हैं, ठीक है। हार्डनेस दो तरह की, टेम्प्रेरी परमानेंट, ठीक है। तो टेम्प्रेरी मतलब इजिली रिमूव हो सकती है और परमानेंट इजिली रिमूव नहीं होती है, ठीक है। तो टेम्प्रेरी रिमूव किस तरह किया जा सकती है, टेम्प्रेरी हार्डनेस कैन बी रिमूव बाय बॉइलिंग, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा बाई कार्बोनेट आयन जो होते हैं, तो इसमें आंसर है मैग्नीशियम बाई कार्बोनेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेगेटा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट इवेंट। रेगेटा,
रेगाटा इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट इवेंट? तो आंसर इसका है रोइंग, ROWING। जो रेगाटा है वो मतलब रोइंग से एसोसिएटेड है, ठीक है। रेगाटा जो वर्ड है ये इटालियन लैंग्वेज से आया है, ठीक है। ये एक तरह की मतलब बोट रेस भी होती है रेगाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपी वाज डीवैल्यूड बाय व्हाट परसेंट इन जुलाई 1991? रुपीज़ वाज डिवेल्यूएड बाई विच परसेंट इन 1991? तो 1991 में रुपी 20% डिवेल्यूड हुआ था, रुपए की वैल्यू 20% कम हो गई थी इन 1991 में 20% डिवेल्यूड हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन में, व्हाट इज़ द टर्म एज द ड्रेनेज पैटर्न डेवलप्ड ऑन फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक? जो फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक हैं वहाँ पे कैसा ड्रेनेज पैटर्न? देखिए ड्रेनेज पैटर्न कई होते हैं, ठीक है, चार तरह के ड्रेनेज पैटर्न होते हैं, ठीक है। तो उनमें से एक पैटर्न जो फोल्डेड सेडिमेंट्री रॉक्स पे होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ट्रेलीज पैटर्न जो होता है वो आपका सेडिमेंट्री रॉक्स में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन, हुज टॉम इज बीवी का मकबरा? बीवी का मकबरा, बीवी का मकबरे को लेके इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसको पहली बात हुज टॉम इज बीवी मकबरा, तो ये तो औरंगजेब की वाइफ, ठीक है, औरंगजेब वाइफ। अब इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि इसको औरंगजेब ने सेम एज बनाने की कोशिश किया था जैसे शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था, ठीक है, सेम एज इन्होंने बीवी का मकबरा भी बनाने की कोशिश किया। तो इसका आंसर है औरंगजेब्स वाइफ। औरंगजेब की बात किया तो औरंगजेब का एक्चुअल नाम था मोहिद्दीन मोहम्मद, ठीक है, इसको आलमगीर नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, मोहिद्दीन मोहम्मद नाम से बहुत कम लोग जानते थे, इसको औरंगजेब या आलमगीर नाम से जाना जाता था। और औरंगजेब सिक्स्थ मुगल एम्परर था, या ये कहें कि ये लास्ट पावरफुल मुगल एम्परर था, इसके बाद जो मुगल शासक थे वो कमज़ोर होते गए। जो औरंगजेब ने अराउंड 49 ईयर तक रूल किया था इंडिया में, और मोस्ट ऑफ द पोर्शन रूल किया था। और इनकी माँ मुमताज, इनके पिता शाहजहाँ थे, इसने राज किया था 1608 to 1707 तक राज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच एनर्जी डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन? विच एनर्जी डू नॉट हैव द प्रॉब्लम ऑफ पोल्यूशन? कौन सी एनर्जी को पोल्यूशन से कोई प्रॉब्लम नहीं होती? तो कौन सी है? सर्वे सर्वा सन, सूरज को कैसा भी हो जाए उसको कोई रोक नहीं सकता, वो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द मद्रास स्टेट रीनेम तमिलनाडु? ये देखिए मद्रास, इसे हम क्या जानते हैं, मद्रास एक शहर, ठीक है, बल्कि मद्रास एक तरह से समझ लीजिए, मद्रास एक पूरा क्या था, राज्य, ओके। तो व्हेन वाज द मद्रास स्टेट रीनेम्ड? तो मद्रास स्टेट रीनेम हुआ था 1969 में, बदल के उसका नाम हो गया था तमिलनाडु, तमिलनाडु नाम हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट इज़ द सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? व्हाट इज़ द सुटेबल यूनिट फॉर एक्सप्रेसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ? ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ NyC। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज द डिफ्लेक्शन ऑफ विंड बाय विच फोर्स? ठीक है, देखिए इस चीज़ के बारे में हमने बताया है आपको, आप जो ज्योग्राफी का सिक्स क्लास जो NCERT का लोग का एक लेक्चर चलता है तो उसमें आप जाके देख सकते हैं, हमने इसमें इस फोर्स के बारे में बताया है, ठीक है, और रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, या रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, और मौसम कैसे कैसे जो बदलते हैं, कौन सा कब ऑटम आता है, कब समर रहता है, ये सारी चीज़ें उसमें हमने डिफाइन की है, तो वहाँ जाके आप इसके बारे में देख सकते हैं। तो इसका आंसर है कोरियोलिस इफेक्ट, ठीक है,
तो रोटेशन ऑफ अर्थ कॉज डिफ्लेक्शन ऑफ विंड बाई विच फोर्स, तो आंसर है कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस इफेक्ट। नेक्स्ट वन, हु ऑर्गनाइज अ मराठा कॉन्फेडरेसी अगेंस्ट द ब्रिटिश, अगेंस्ट द इंग्लिश आई ब्रिटिश, लीडिंग टू द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर। मराठा जो कॉन्फेडरेसी थी उसमें मतलब उनकी तरफ से किसने थर्ड एंग्लो मराठा वार में प्रतिनिधित्व किया था, किसने अपनी तरफ की कौन लड़ाई में मेन थे। देखिए अगर मराठा वार या एंग्लो मराठा वार की बात किया है तो शिवाजी नहीं थे उसमें, शिवाजी पहले ही इसमें डेथ हो चुकी थी उनकी मुगल के समय। इसमें पहले दूसरे तीसरे ठीक है, फर्स्ट और सेकंड एंग्लो मराठा वार में जो अंग्रेज थे या ब्रिटिशर्स थे वो जीत नहीं पाए थे, एक वो संधि उनको करनी पड़ी थी, लेकिन थर्ड एंग्लो वार में मराठा हार गए थे ठीक है, थर्ड में मराठा हार गए थे। तो उस समय जो मराठा कॉन्फेडरेसी की तरफ से जो लड़ रहे थे वो थे पेशवा, पेशवा थे ठीक है, आंसर क्या है पेशवा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, विच वुमेन हैज़ बिकम द हाइएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन एन इनिंग इन द टेस्ट ठीक है, विच वुमेन हैज़ बिकम द हाइएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन एन इनिंग इन टेस्ट। तो इसका नाम, इनका नाम है किरण बलूच, किरण बलूच ठीक है, इनका एक्चुअल नाम किरण मकसूद बलूच है ठीक है, सी इज़ पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर ओके, इनका नाम है किरण बलूच, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पर्सन डेट कंट्रोल अ फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच को कौन कंट्रोल करता है, तो कंट्रोल करते हैं अंपायर, फुटबॉल मैच को अंपायर कंट्रोल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एयर पोल्यूटेंट अफेक्ट नर्वस सिस्टम ऑफ मैन, नर्वस सिस्टम ऑफ मैन को कौन सा एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट, एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूटेंट इफेक्ट करता है ठीक है, तो वो है लेड। देखो एयर पोल्यूटेंट तो बहुत सारे होते हैं लेकिन जो लेड है वो सबसे ज़्यादा इफेक्ट करता है, इसीलिए जो डीजल इंजन होते हैं ठीक है उनमें रहता है ओके, और उन मतलब जो डीजल हम डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स, विच इज़ द चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेट एंड ड्राई ट्रॉपिक्स, तो इसका आंसर है कांस्टेंट हीटिंग, कांस्टेंट हीटिंग जो होती है उनका चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बाय हुम वाज अ सुद्धि मूवमेंट, डेट इज सुद्धि मूवमेंट होता क्या है, ये नॉन हिंदू का कन्वर्जन हिंदू में ठीक है, तो ये सुद्धि मूवमेंट स्टार्ट हुआ था किसके समय में, इन्होंने स्टार्ट किया था दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती, और दयानंद सरस्वती कौन थे, इन्होंने जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी ठीक है, और सुद्धि मूवमेंट का मेन पर्पस था जो नॉन हिंदू हैं ठीक है वापस उनको हिंदू में जो आना चाहते हैं उनका उन्हीं को वापस कन्वर्जन ठीक है। तो इस तरह ये आपका आज का 20 क्वेश्चन का सेक्टर सेक्शन ख़त्म हो गया, अब नेक्स्ट लेक्चर में फिर 20 क्वेश्चन लेके आएंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब माई वीडियो एंड क्लिक बेल आइकन टू गेट लेटेस्ट वीडियोज़ ओके, थैंक यू।